स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 2023 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं गाइस यहां पे इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन मिलता है यूजी और पीजी दोनों ही लेवल के कोर्सेज के लिए। मेडिकल लॉ इस तरह के कई सारे वेरियस कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रिलीज किया जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानना शुरू करते हैं। लाइक गाइस यहाँ पे आपको बता दो आप लोगों की डेट्स के बारे में। आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजी पीजी दोनों के लिए यहाँ पे रिलीज हो चुका है। राउंड वन का एप्लीकेशन फॉर्म आपका एग्जाम 24 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट को आपको क्लियर क्वालिफाई करना होगा तब जाके आप लोगों को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो इसके एप्लीकेशन ऑलरेडी रिलीज है। अब गाइस पीजी की बात करें तो पीजी का एग्जाम भी 24 दिसंबर को ही कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नाउ मूव ऑन टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइस आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी रिलीज है और इसे फिल करते टाइम यहाँ पे अगर आपने कोई भी गलती की कोई भी मिस्टेक या कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर की तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से डॉक्यूमेंट को प्रिस्क्राइब साइज और फॉर्मेट में अपलोड करना है। जस्ट किसी भी तरह से अपलोड करने की कोशिश करते हैं फिर उसे सबमिट करते हैं बट यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाता। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ है इसलिए आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल में आकर आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दिया है जिसमें आपको अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का लाइव एप्लीकेशन और फिल करके बताया है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको उसी प्रोसेस को जो है सेम फॉलो करने के बाद आपको चैनल को अपनी जो है एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना एप्लीकेशन को आप लोगों को जो सबमिट करना होगा। आप लोगों का एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर यहाँ पे जो है सबमिट हो जाएगा। इनकेस फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन 500 रुपीज है जो कि आप डायरेक्टली डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हैं। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके। तो गाइस अगर आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे 12 पास आउट रहने चाहिए तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। और आप लोगों की जो है यहाँ पे एज लिमिट एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे जो है 19 ईयर्स बता दी गई। 19 ईयर्स से गाइस यहाँ पे आप लोगों की एज लिमिट ज़्यादा नहीं कम नहीं होनी चाहिए। बात कीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए तो आप जो है मास्टर्स के लिए रहने चाहिए और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिकली पॉलिसी एंड गवर्नेंस इसमें आपने क्लियर किया हुआ रहना चाहिए। कोई भी एक डिग्री क्वालिफाइड रहनी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो कि सारे के सारे एमसीक्यू या क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन चारों में से जो भी ऑप्शन सही लगे वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए। पार्ट वन में पार्ट टू में गाइस आप लोगों को 45 मिनट जाएंगे। पार्ट टू में आपको ऐसे लिखना होगा 500 वर्ड्स का। अब आते हैं सिलेबस। तो गाइस का सिलेबस काफी वास्ट है डिटेल्स से बस तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते इसलिए आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जो है कंप्लीट सिलेबस अपना जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड की। तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। एडमिट कार्ड में गाइस आप लोगों की जो बेसिक सी डिटेल्स रहती है फोटोग्राफ सिग्नेचर सब्जेक्ट्स टाइमिंग्स एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन ये सारी डिटेल्स दी रहती है। बट मेन इशू ये है कि आप जो स्टूडेंट्स रहते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना इसलिए आपको सिंपली क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपको लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है आप लोगों का भी एडमिट कार्ड वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। एंड सेम एज इट फॉर आंसर की रिजल्ट एंड काउंसलिंग हर एक इवेंट आप लोगों को जो है लाइव परफॉर्म करके बताया जाएगा। सो गाइस नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है कोई भी इश्यू आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।